करते दोनों के एक्सीडेंट हुए, ये गाड़ी भी गिरी हुई है मेरे से और ये गाड़ी भैया से गिर गई, इसको गिरे एक महीना हुआ है और ये इसको गिरे सिर्फ 6 से 7 दिन पहले हुए। लाइव मेरा एक्सीडेंट है, आप देख सकते हो, एक लड़की मुझे ठोक के चली गई थी, ये बकायदा लाइव एक्सीडेंट है, मेरा पैर भी टूटा हुआ पड़ा है। स्पीड अगर अपन ने 50 से ऊपर चला ली ना इसको, हाँ तो 60 किलोमीटर चलेगी नहीं। ठीक है, ये आपकी लगी कैसे भैया? लगी तो ऐसे ना, ब्रेक लगा ही नहीं ना। अच्छा, तो नई की नहीं है भैया गाड़ी लेके आए, और गाड़ी लाते ही ये पहला एक्सीडेंट भैया के साथ हो चुका है। और गाड़ी कैसी क्या है? गाड़ी ठीक नहीं है। अच्छा ठीक नहीं है, ओला से बेटर है या नहीं है? नहीं नहीं, ओला से बेटर नहीं है। अच्छा ठीक है, रोड बिल्कुल यार पनास पड़ी है, बिल्कुल चकास एकदम जरूर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर के व्हीकल ब्लॉग्स की यूट्यूब की दुनिया में, और आज मैं आया हूँ आपके पास लेके दो गाड़ियाँ। हमारे पास है एक तो ओला S1 Pro जो कि टॉप मॉडल है, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, और यहीं पे हम बात करें दूसरा जो कि हमारा एथर, नई नई गाड़ी चमचमाती, आप देख सकते हैं अभी तो नई नई आई है, इसको लास्ट से मुश्किल एक महीना हुआ होगा लाए हुए। फिलहाल प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूँ कंपेरिजन तो दोनों की आज मैं बताऊँगा आपको। हमारी ओला की कंपेरिजन आपको हमने बता रखा है, और एथर का जो कंपेरिजन है वो हम ऑनर से बात करेंगे, ये हमारे कॉन्टैक्ट के अंदर है और ये हमारे मेल के थ्रू इन्होंने हमें बताया कि भैया आप आइए और एक बार हमारा वीडियो बनाइए। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की, और इसी के साथ मैं बताता हूँ दोनों कंपैरिजन में क्या क्या फर्क है। फिलहाल हमारी ओला का वीडियो आपने लास्ट वाला देखा होगा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई थी हमने आपको बताई थी। अब बात करते हैं एथर की, एथर के अंदर प्रॉब्लम्स आती है नहीं आती, वो बेटर है या नहीं है, इन सभी चीज़ की जानकारी लेते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया का नाम जानते हैं। भैया आपका नाम क्या है? हेमराज वर्मा। भैया का नाम है हेमराज वर्मा। अच्छा भैया, आपको गाड़ी लाया कितना टाइम हो गया? महीना भर हो गया। महीना भर हो गया। गाड़ी कैसी क्या है? गाड़ी ठीक नहीं है। अच्छा ठीक नहीं है, ओला से बेटर है या नहीं है? नहीं नहीं, ओला से बेटर नहीं है। अच्छा ठीक है, इसके अंदर आपके प्रॉब्लम्स क्या क्या है? प्रॉब्लम तो यही आई थी इसमें, तो कहने का मतलब ये है बारिश के अंदर इस बारिश बरसते ही और ये ब्रेक है ना आवाज आने लग जाती है दोनों में। अच्छा, तो बारिश जैसे हुई दोनों ब्रेक पैड में आवाज आने लग जाती है, ये आपकी लगी कैसे भैया? लगी तो ऐसे ना, ब्रेक लगा ही नहीं ना। अच्छा, तो नई की नई एथर भैया गाड़ी लेके आए, और गाड़ी लाते ही ये पहला एक्सीडेंट भैया के साथ हो चुका है। भैया इससे पहले भी इलेक्ट्रिक आप स्कूटी यूज कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, चलाई तो नहीं, पर ओला की खूब चलाई हुई। अच्छा, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर भैया ने चलाई, ओला के भैया फैन लग रहे हैं मेरे को ऐसा लग रहा है। बट चलो कोई ना, आप कंपेरिजन का दोनों का स्टार्ट करते, ठीक है। इसके अंदर भैया के एक महीने में आते ही प्रॉब्लम हुई, भैया का एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से इनके लग गई, और प्रॉब्लम क्या थी उसका रीजन मेन यही था कि इनके जो ब्रेक है वो लगे नहीं, कि ब्रेक पैड खत्म हो गए थे, ठीक है। ब्रेक पैड फैन वेट है ना ये, हाँ वो भी आवाज करती है बारिश में, आवाज करने लगी। अच्छा, इसका जो ये फैन बेल्ट आता है ये वाला, हाँ, ये रफ्तार खींचने पे आवाज करता है, ये नॉर्मल में आवाज करता है। बारिश हो गई, हाँ बारिश हो गई तो वैसे तो गीली हुई है, थोड़ी बहुत मिट्टी लगी और आवाज करने लग जाती है, ठीक है। ये फैन बेल्ट इसका आवाज करता है, और इसमें क्या क्या कमियां लगी आपको? अच्छा, ये गाड़ी आपके आई कितने की भैया? ये 25 की है। 1.25 की आपकी गाड़ी पड़ी, कैश के अंदर या? नहीं नहीं, किस्तों में। अच्छा, किस्तों में कितने की पड़ेगी आपके? किस्तों में 1.45 की पड़ेगी। 1.45 के पास फिक्स है, 1.45 या इससे ऊपर? नहीं नहीं, 1.45 1.45 के आसपास पड़ेगी। अच्छा, और इसका चार्जिंग टाइम कितना है? चार्ज कैसा समझा, मतलब इसको अपन चार्ज लगाते तो कितना टाइम लगता है? अच्छा, चार्ज में 5 घंटे लगते हैं इसमें, 5-6 घंटे। अच्छा, 5-6 घंटे लगते हैं, जो पूरा चार्ज नहीं होता ये लास्ट की डंडी होती है ना ये। अच्छा, मतलब तो ये लगभग 7 से 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। मैं 6 घंटे चार्ज लगा के देखा था, लास्ट वाली डंडी है ना ये फिर भी बच जाती है, चार्ज नहीं होती है। अच्छा, तो इसका चार्जिंग टाइम क्या रहता है भैया? चार्ज टाइम तो ये 7-7 घंटे होंगे, 7-8 घंटे इसको चार्ज करने में लगता है, फुल चार्ज हो जाएगी। और फुल चार्ज होती है नहीं होती उसमें? मैं 6 घंटे लगा के देखा था, इसमें तो फुल चार्ज हुई नहीं है, ठीक है अभी तक। हाँ, मैं शाम को लगाता हूँ, सुबह उठ के इसको देखता हूँ, तो ये एक तो रहता है, एक डंडा तो रहता है इसमें, खाली रहता है एक डंडा तो। अच्छा, एक पॉइंट तो खाली रहता है इसका। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के अंदर कंपैरिजन की। देखो क्वालिटी की भैया ने बता दी, भैया आप थोड़ा सा बैठिए मैं आपको बताता हूँ। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अपने पास यही फाइबर है, यहाँ पे भी यही फाइबर है, बट जो मजबूती की बात करें ना वो मजबूत है। देखो ये बजने की बात आती है और ये बजाने की बात आती है। एक स्कूटी यहाँ पे बज कम रही है, बट एक स्कूटी बज ज्यादा रही है, इसका मतलब उसमें थोतापन ज्यादा है, या फिर बोल सकते हैं क्वालिटी में ज्यादा कम है। अब यहीं पे बात करते हैं तो लुक की। देखो ये थोड़ा लुक जो आता है फंकी लुक आता है, शानदार दिखने में लगती है और ऐसा लगता है कि सच में एक स्कूटी है।
और ये जो लुक आता है इसमें से लगता है जैसे किसी एप्पल टाइप में जो होता है ना, वैसा जैसे किसी केले को खाकर उसका छिलका फेंक दिया, उस टाइप का इसका लुक आता है देखने को। अब बात करते हैं दोनों के एक्सीडेंट हुए, ये गाड़ी भी गिरी हुई है मेरे से और ये गाड़ी भैया से गिर गई, इसको गिरे एक महीना हुआ है और ये इसको गिरे सिर्फ 6 से 7 दिन पहले हुए। लाइव मेरा एक्सीडेंट है, आप देख सकते हो एक लड़की मुझे ठोक के चली गई थी, ये बकायदा लाइव एक्सीडेंट है, मेरा पैर भी टूटा हुआ पड़ा है, ठीक है। तो दोनों हम टूटे हुए हैं। अब बता देता हूँ गिरने के बाद में जो डैमेज सबसे ज्यादा वो किस में होता है, देखो इसमें अगर डैमेज की बात करें ना तो ये तो टूट ही गया थोड़ी सी गिरने में। अच्छा ये डैमेज देखो, ये यहाँ पे क्या था भैया, ये लेडीज बैठती है ना। अच्छा लेडीज जो फुटरेस्ट था वो यहाँ पे पूरा टूट चुका है, ये गिरी गिरते ही टूट गए। बट सबसे अच्छी बात है कि इसकी बॉडी के कोई वो नहीं हुआ, ठीक है, बॉडी सेफ है क्योंकि इसकी बॉडी साइड के जो पैनल वगैरह है सेफ कर लेते हैं। थोड़े से यहाँ पे स्क्रेच वगैरह हुए तो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी ये बेस्ट है। अब मैं बात कर लेता हूँ मेरी स्कूटी की, ठीक है। मैं गिरा इधर की तरफ से गिरा था आई थिंक, हाँ इधर से मैं गिरा। अब आप देखो चाहता हूँ ये साफ, ठीक है ये साफ, और ये देख सकते हैं आप स्क्रेच, ये साफ, और इधर और दिखा देता हूँ मैं जब वापस गिरा था जब सेकंड टाइम, जो अभी 3 से 4 दिन पहले जो लड़की मुझे ठोकी थी, देख सो ये टूटा, ये घसा, ये घसा, ये पूरा घसा और ये इधर घसा और इधर ये घसा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो सेफ्टी है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यार एक दोनों गाड़ियां गिरी हुई है, दोनों गाड़ियां गिरने के बाद में जो क्वालिटी है वो किस तरीके से रही है आपको बता देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ दोनों की रेंज की, भैया ने बताया ये जो एथर चलती है वो चलती है टोटल 60 किलोमीटर, जो कि 50 से आप नीचे स्पीड रखेंगे तो 50 के अबव अगर स्पीड जाएगी तो इसकी जो रेंज है वो घट जाएगी, ठीक है 60 किलोमीटर भी नहीं चलेगी। इसकी अगर मैं बात करूँ तो 50 के अगर इसकी स्पीड लेके चलते हो आप आराम से 100 प्लस का रेंज दे देगी, बट मिनिमम 100 ही दे पाएगी, 100 110 इससे ऊपर नहीं जाएगी। कई लोग बोलते हैं कि हमने 120 निकाली, 150 निकाली, 200 निकाली, वो सिर्फ फर्जी बातें हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मुझे इस गाड़ी को चलाते हुए हो गए लगभग कम से कम भी मैंने बता कि 3 साल 2.5 से 3 साल हो गए, और इस गाड़ी को मैंने जो टोटल चला दी है वो चला दी है टोटल मैं बता दूँ आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, 25,000 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चला दी है और ये गाड़ी चल चुकी है जो लगभग कितना चल गई भैया, एक अंदाजा कितना चल गई है, 3,000 ये टोटल गाड़ी 3,000 किलोमीटर चल चुकी है। 3,000 किलोमीटर के अंदर क्या क्या दिक्कतें आई वो हमेशा क्लियर हो जाती है, ये डेली चलाते हैं तो इनको अच्छे से पता है। अब बात कर लेते हैं हेलो व्हील की, तो देखो इसका जो व्हील है ना वो बहुत बड़ा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस सपोर्ट के लिए आपके पास डबल चोकर है। और यही पे अगर हम बात करें इसके अंदर तो हमारा ओला का जो व्हील है ना वो सिंगल सस्पेंशन के साथ में और व्हील छोटा है इसका, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें इसके दोनों की बिल्ड क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी आपको मैंने बता दी, रेंज भी मैंने बता दी। अब बात करते हैं हम चार्जिंग इस बात के, कई लोगों का कमेंट आता है कि भैया एथर की जो चार्जिंग है वो स्पीड बहुत फास्ट है क्योंकि ये फास्ट चार्जर के साथ में प्रोवाइड करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूँ एथर का जो चार्जिंग टाइम है वो है कम से कम 7 से 8 घंटे मिनिमम, वो भी फुल चार्ज करके, भैया बोल रहे 6 घंटे चार्ज करने के बाद में एक खूंटी तो रहती है, मतलब एक पॉइंट तो इनका फिर भी रहता है खाली, तो 7 से 8 घंटे मान के चलते हैं। वहीं अगर बात करें ओला के अंदर तो ओला के अंदर भी 7 से 8 घंटे नॉर्मली लगते हैं, ठीक है, और ये भी फुल चार्ज कभी नहीं होती, फुल चार्ज होती है बट जैसे आप एथर, ये एथर का या ओला का जैसे निकाल के वापस लगाओगे तो ये वापस चार्जिंग होने लग जाती है। बट एथर के अंदर चीज अच्छी है, फुल चार्ज अगर हो गई जो रेंज बताती है उससे थोड़ा वो डाउन जाता है लेकिन ये दिखा देती है, बट कहीं ना कहीं भैया ने बताया उस हिसाब से ये रेंज निकाल के दिए। दोनों का मैंने कंपैरिजन बता दिया। वारंटी की अगर बात करें तो इसके हमारे पास वारंटी मिलेगी 5 साल, भैया एथर की कितनी मिलती है आपको, एथर की 3 साल की वारंटी है, इसकी 5 साल की वारंटी है। वारंटी में आपको क्या क्या कवर करने के लिए बताया, वारंटी में तो ये जो फैन वेल्ट वगैरह आ गया, फैन वेल्ट आ गया, आपके जो ब्रेक पैड अभी डले बारिश के अंदर वो फ्री है या पैसे लगे, एक बार फ्री है ये, एक बार फ्री मिला है, ठीक है, और अगर आप फिर से खराब होंगे तो पैसे लगे, उसका चार्जेबल बताया आपको 250 रुपए एक ब्रेक पैड के। अब अगर हम बात करते हैं ब्रेक पैड की तो दोनों गाड़ियों के अंदर सबसे बड़ा कंपैरिजन देखना एथर का और ओला का जो ब्रेक पैड है, भैया थोड़ा सा पीछे करना एक बार बता देता है, एथर का और ओला का जो ब्रेक पैड है वो कितना महंगा आता है, सिर्फ 250 रुपए में एक ब्रेक पैड आ रहा है, वहीं पे अगर इसकी बात करें तो 850 रुपए का एक ब्रेक पैड है, ठीक है। कंपनी किस तरीके से मार रही है, किस तरीके से लंका लगा रही है, देखो 250 रुपए का ब्रेक पैड, 850 रुपए का एक ब्रेक, कितना रात दिन का फर्क हो गया, मतलब 3 गुना ज्यादा पैसा ले रही है ये, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें कि दोनों की चार्जिंग टाइम की तो चार्जिंग टाइम मैंने आपको बता दिया, बिल्ड क्वालिटी भी मैंने बता दी। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि गाड़ी कितने कौन से लेनी चाहिए। ये गाड़ी की अगर प्राइस की बात करूँ तो 1,25,000 की ऑन रोड आ रही है,
इस गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1,42,000 की ऑन रोड आ रही है, तो दोनों में कहीं ना कहीं चीज़ अच्छी है। और अभी इसकी रेटें बढ़ चुकी है, तो अभी का मैं कह नहीं सकता क्या प्राइस में आ रही क्या नहीं आ रही, बट फिलहाल दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ी आपके सामने कंपैरिजन है। और भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां मैं लेके आऊंगा आपके सामने, अगर आपको कोई डाउट लगे कोई कंपैरिजन लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपके पास भी ऐसी अथर गाड़ी है और आप भी मुझे बात करना चाहते हैं मिलना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कीजिए, ट्विटर पर ट्वीट कीजिए, और अदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। फिलहाल यहीं पे आज वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, जब तक लीजिए इन वंदे मातरम, ही अपना प्यार मोहब्बत इस जज्बात बनाए रखें, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये दोनों गाड़ियों के रिव्यू मैं आपके लिए लेके आऊँ और भी अथर के रिव्यू मैं लेके आऊँगा। फिलहाल 3,000 किलोमीटर चली है गाड़ी, 3,000 किलोमीटर चलने के बाद में क्या क्या इसके अंदर था वो मैंने सब कुछ आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अकेले का मैं वीडियो बना के बताऊंगा आपको। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, जब तक लीजिए इन वंदे मातरम।